अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों आज की वीडियो में कतर में री एंट्री के बारे में एक गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि जिन लोगों का आईडी ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया है, जैसे कुछ लोग छुट्टी में घर आए थे लॉकडाउन से पहले, अगर ऐसे लोगों का इकामा एक्सपायर होने के बाद ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया है तो क्या इन लोगों के लिए भी री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह अगर री एंट्री परमिट निकला लेकिन एक्सपायर हो गया तो दोबारा क्या करें। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने एक महीना पहले या 20-25 दिन पहले री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई किया था लेकिन अभी तक कुछ जवाब नहीं मिला है, तो ऐसे लोग भी इस वीडियो को देखते रहें। दोस्तों कल मुझसे एक आदमी जो मेरे ही रिलेशन का था मुझसे मिलने के लिए आया और उसने कहा कि मेरा री एंट्री परमिट निकल गया है। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी कंपनी ने कितने दिन पहले अप्लाई किया था, तो उसने कहा कि एक महीना पहले अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी री एंट्री परमिट मिल गया है। दोस्तों डेढ़ महीना पहले जब री एंट्री परमिट का ऑप्शन आया था तो उस टाइम कहा जा रहा था कि कंपनी में सिर्फ जो बड़े बड़े पोस्ट पर काम करते हैं उन लोगों को सिर्फ री एंट्री परमिट मिलेगी, लेकिन दोस्तों ये ख्याल बिल्कुल गलत है। अभी कंपनी में जो लोग छोटे प्रोफेशन पर काम करते हैं उन लोगों को भी री एंट्री परमिट मिल रहा है। तो जिन लोगों ने 20 दिन 25 दिन पहले या एक महीना पहले री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई किया था, तो ऐसे लोग जो है मायूस ना हो, बल्कि उनको भी धीरे धीरे एंट्री परमिट मिलेगी, सबको मिलेगा। और जो लोग छुट्टी में आए हुए थे उन लोगों का इकामा एक्सपायर होने की वजह से कैंसिल हो गया था, तो उन लोगों के लिए भी री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन लोगों को री एंट्री परमिट मिलेगा तो ये लोग भी कतर जा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी तरह जिन लोगों ने री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई किया था और उनका री एंट्री परमिट मिला, री एंट्री परमिट का एक्सपायर डेट एक महीना का होता है, अगर एक्सपायर हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, फिर से दोबारा री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको फिर दोबारा री एंट्री परमिट मिल जाएगी। जो आदमी कल मुझसे मिलने के लिए आया था उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आगे भी आप लोगों को अपडेट शेयर करता जाऊंगा। अभी जैसे उसको री एंट्री परमिट मिला है तो उसको टिकट लेने का है, उसके बाद क्वारंटीन के लिए होटल बुक करने का है, तो जैसे जैसे मुझको खबर मिलेगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता जाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँच सके, और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो हासिल करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।